ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? कंफर्म कीजिएगा सारे लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? कंफर्म कीजिएगा सारे लोग। क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? कंफर्म करेंगे सारे लोग एक दफ़ा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? कंफर्म कीजिएगा सारे लोग एक दफ़ा। तो आप सबका मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, विच इज़ इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर बिहार एग्ज़ाम। और जैसा कि पता है, बज चुके हैं घड़ी के आपके 11:45, और जब भी घड़ी के 11:45 होते हैं, हमारी और आपकी मुलाकात होती है हमारे लाइव इंटरेक्टिंग सेशन में, जो कि बेसिकली डेडिकेट होता है हमारे क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे बिहार जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, वो भी एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि आप लोगों ने आज का थंबनेल देख रखा होगा, पिक्चर देख रखा होगा कि आज की क्लास में दोस्तों जिस टॉपिक को हम लोग कवर अप करने वाले हैं, वो टॉपिक हमारा होने वाला है दोस्तों बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग करने वाले हैं कवर अप। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और जैसा कि हर क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम एक पॉजिटिव थॉट के साथ अपनी क्लास की करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों आज का जो हमारा पॉजिटिव थॉट है वो ये है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसला सबके अलग से होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपके लाइफ में बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जिंदगी आपको हमेशा, जिंदगी से शिकायत है कि जिंदगी हमेशा आपके साथ खेलती है, तो याद रखिएगा जिंदगी खेलती भी उनके साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। क्योंकि दर्द जो है सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग से होते हैं। आप ही लोग में से कोई लोग हताश होकर के एग्जाम की तैयारी छोड़ देगा और कोई लोग संघर्ष करके आने वाले टाइम में SDM बन जाएगा। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम लोग करते हैं शुरुआत। तो हमेशा संघर्ष का रास्ता चुनना चाहिए, हताश होकर निराश होकर के चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो पिछली क्लास में दोस्तों, ठीक है, प्रणाम प्रणाम, पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने आपके करंट स्टेट ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली को कवर अप किया। इसके अलावा हम लोगों ने कवर अप किया था कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोगों ने कवर अप किया था। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने कवर अप किया था कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके बारे में हम लोगों ने कवर अप किया था। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको हम लोगों ने कवर अप किया था। इसके अलावा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होते हैं उनको हम लोगों ने कवर अप किया था, हेड ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार गवर्नमेंट, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। और आज की क्लास में दोस्तों जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ से करने वाले हैं वो करने वाले हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं, नहीं 7 6 तक हो गया था ना हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था कवर अप, अभी हम लोग करते हैं 7 से। तो 7th क्वेश्चन जो हमारे लोग का है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे पहले तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होती है दोस्तों? तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यानी कि ऐसी कम्युनिटी जो कि हाफ इंडियन हो और हाफ ब्रिटेन हो, यानी कि कहने का मतलब इनके माता पिता में से एक कोई अंग्रेज हो, यानी कि एक कोई इंग्लैंड का हो, एक कोई ब्रिटिश का हो और एक कोई आपके इंडियन का हो। तो इनके माता पिता में से कोई एक ब्रिटिश का होगा और एक इंग्लैंड का होगा, तो उस वाले को हम लोग कहते हैं एंग्लो इंडियन। आप सबकी फेवरेट कैटरीना कैफ, भाभी माँ, ठीक है, तो कैटरीना कैफ है, ये भी आपके एक एंग्लो इंडियन में ही आती हैं। तो इसके अलावा आपको मुझे बताना है कि एंग्लो इंडियन जो है कितने क्वेश्चन, वो पहला ही क्वेश्चन है, जो एंग्लो इंडियन है आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा कैटेगरी है, कौन सा ऐसा बेसिकली आपको एंग्लो इंडियन का बेसिकली प्रोविजन है जिसके तहत एंग्लो इंडियन को लेजिस्लेटिव असेंबली में आरक्षण मिलता था। फिर से मैं बोलूंगा मिलता था, क्योंकि अब ये आरक्षण मिलना बंद हो गया। पहले आर्टिकल सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। क्या आर्टिकल नंबर 330 है, 332 है, 333 है या फिर 334 है? चलिए बताइए फटाफट, अब मिलना ये खत्म हो गया, फटाफट बताइए कौन से उसके तहत इसको मिलता था, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपका यही लाइक और शेयर हम एजुकेटरों के लिए जो मोटिवेशन का काम करता है। तो फटाफट बताइए। तो दोस्तों जैसा कि इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल नंबर 333। इसके अलावा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि पहले आपको क्या होता था एंग्लो इंडियन दोस्तों क्या होता है, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एंग्लो इंडियन हम लोग वैसे लोग को कहते हैं जिनके माता या पिता में से एक आपके ब्रिटेन के नागरिक हों और दूसरे जो हैं आपके इंडिया के नागरिक हों, या फिर दोनों में से कोई भी एक ब्रिटेन का और एक आपके इंडिया का नागरिक हो, तो वहाँ उनकी जो संतान होगी उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं आपके एंग्लो इंडियन।
इसके अलावा जो एंग्लो इंडियन को पहले रिजर्वेशन मिलता था आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर आपके लोकसभा में, अब वो रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया है। अंडर कौन से आर्टिकल, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 104वें संविधान संशोधन के तहत आपके 2020 दिसंबर महीने के 2020 में इसको आपके खत्म कर दिया गया, इसको आपके खत्म कर दिया गया एंग्लो इंडियन के आपके प्रावधान को, एंग्लो इंडियन के आपके सिस्टम को खत्म कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन आपके नहीं मिलती है आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में अंडर, ध्यान रखिएगा, 104वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो आपके एमएलए होते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं विधानसभा मेंबर, जिसको हम लोग कहते हैं विधायक, जिसको हम लोग कहते हैं विधायक, जो विधायक होते हैं, जो विधायक होते हैं, उन विधायक यानी कि एमएलए जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशन है आपके कौन से अनुच्छेद में दी गई है, क्या वो 172 है, क्या वो 173 है, क्या वो 174 है, या फिर वो 175 है, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब, फटाफट बताइए दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, फटाफट बताइए, द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आपके कौन से आर्टिकल्स में आपके दी गई है, क्या वो 172 है, क्या वो 173 है, क्या वो 174 है, या फिर वो 175 है, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का जवाब, क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का जवाब, फटाफट बताइए, बोलिए फटाफट। द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, फटाफट बताइए, तो इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा आर्टिकल नंबर 173 इज द राइट आंसर, आर्टिकल नंबर 173 जो हो जाएगा इसका आपके सही जवाब हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द विधान परिषद इज नोन एज, जो विधान परिषद है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एट का सी हो जाएगा, बिल्कुल एट का आपके एट का सी हो जाएगा, नहीं एट का बी हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग द विधान परिषद इज ऑल्सो नोन एज, जो विधान परिषद है इस विधान परिषद को हम किस नाम से जानते हैं, विधान परिषद को दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं, क्या वो लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं, लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं, या फिर नन ऑफ द फॉलोइंग, बताइए फटाफट, जो विधान परिषद है इसको दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्या लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्या वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, क्या वो लेजिस्लेचर है, या फिर नन ऑफ द अबव है, विधान परिषद को हम लोग किस नाम से जानते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आयुषी, स्मिता, प्रिया, इन लोगों ने सही जवाब दिया बी, और इसका सही जवाब हो जाएगा जो विधान परिषद है इसको हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, हु आर द फर्स्ट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, बिहार विधानसभा जो है, उसके पहले स्पीकर कौन थे, क्या वो राम दयालु सिंह थे, ठीक है, क्या वो आपके बिंदेश्वर पंडित शर्मा थे, क्या वो आपके लक्ष्मी नारायण सुधाकर थे, क्या फिर आपके वो दानिक लाल मंडल थे, फटाफट बताइए बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के आपके कौन थे, पहले स्पीकर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन थे, फटाफट, राम दयालु सिंह, बिंदेश्वरी पंडित, या फिर आपके लक्ष्मी नारायण सुधाकर, या फिर आपके दानिक लाल मंडल, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा सवाल का जवाब। तो दोस्तों आरडीएस यानी कि आरडीएस कॉलेज जो है, आपको पता ही होगा मुजफ्फरपुर में एक रामदयालु स्टेशन भी है, तो आरडीएस जो है रामदयालु सिंह जो है, ये आपके बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के आपके पहले स्पीकर थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का कौन थे दोस्तों, तो रामदयालु सिंह इसके आपके स्पीकर थे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि भाई अभी के करंट के स्पीकर कौन है, तो याद रखिएगा अभी करंट के जो स्पीकर है दोस्तों आपके विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा जो है अभी आपके करंट के स्पीकर हैं, जो कि आपके करंट विधानसभा के स्पीकर, जो कि आपके बीजेपी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। इसके अलावा महेश्वर जी जो है, ये बेसिकली आपके डेप्टी स्पीकर हैं, जो कि आपके जनता दल यूनाइटेड, ये हैं आपके कौन भाई, तो ये हैं आपके डेप्टी स्पीकर, और ये कौन है, ये आपके करंट के अभी आपके स्पीकर हैं,
विजय कुमार सिन्हा, तो ये आपके करंट के स्पीकर, डेप्टी स्पीकर महेश्वर जी जेडीयू से, और विजय कुमार सिन्हा बीजेपी से करंट के स्पीकर, और सबसे पहले स्पीकर जो थे राम दयालु सिंह, आपके सबसे पहले स्पीकर आपको बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टेंथ का बी दिया हुआ है क्या गूगल पे, टेंथ का बी दिया हुआ है क्या, एक बार कंफर्म कीजिएगा, मैं तो चलिए आप लोग और बता दूं, मैं डाउटफुल इसको मैं जरा एक बार देख लूंगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा मुझसे ही, कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लूंगा एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देता है, क्या वो 170 है, क्या वो 171 है, क्या 173 है, क्या 174 है, फटाफट 70 71 72 या 73 170 171 172 या फिर 173 फटाफट बताइए, इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि आपके क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में आपको बताता है, बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब बताइए। 11 का डी, बहुत बढ़िया, 11 का हो जाएगा आपके डी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं प्रिया, मैं इसको एक बार कंफर्म कर लूंगा, उसके बाद इसके आगे कहानी को मैं देख लूंगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप सबके कमेंट, वेरी गुड, 11 का 3 बिल्कुल सही, इसका डी हो जाएगा सही जवाब, आर्टिकल नंबर 173 इज द राइट आंसर। आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के इंडिपेंडेंस के बाद पहले गवर्नर बिहार के कौन थे, माधव श्रीहरियाणी, आर आर दिवाकर, जयराम दास आपके दौलतराम, या फिर आपके जाकिर हुसैन, बताइए बिहार के पहले गवर्नर आपके कौन थे, बिहार के पहले गवर्नर आपके कौन थे आजादी के बाद, आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, इसका सही जवाब आपके हो जाएगा जयराम दास आपके दौलतराम, इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, जयराम दास दौलतराम, याद रखिएगा इस नाम को, जयराम दास दौलत राम। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु आर द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, ध्यान रखिएगा ये आजादी के बाद के थे, ये आजादी के बाद के, जयराम दास दौलत राम, मैं पूछ रहा हूँ बिहार के पहले गवर्नर, बिहार के पहले गवर्नर 1900, चले हिंट देता हूँ 1936 में, 1936 में बने थे, जेम्स सेफ्टन, सर मोरिक जेनरिक हॉल्टे, सर जॉम्स, सर थॉमस अलेक्जेंडर स्टीवर्ट और सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड, बताइए फटाफट बिहार के गवर्नर आपके इनमें से कौन थे, बताइए फटाफट, हु आर द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर इनमें से कौन थे, फटाफट बताइए 13 नंबर सवाल का जवाब। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार के कौन थे, तो सर जेम्स सेफ्टन, इसका सही जवाब आपके हो जाएगा 1936, सर जेम्स सेफ्टन, लगता है अनटाइमली होने के कारण काफी कम बच्चे हैं, क्या करूं भाई, छोड़ दूं क्या आज, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं, कंपटीशन में मजा ही नहीं आ रहा है, टाइम थोड़ा सा मेरे दो, अच्छा एक काम करता हूं, सुनो भाई कल सुबह रख दूं क्लास क्या, 8 बजे कल सुबह क्लास रख दूं क्या, छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, बोलिए, बहुत ही कम बच्चे हैं, आप ही लोग को मजा नहीं आ रहेगा, मतलब ऑब्वियसली बहुत ही कम कंपटीशन है, 6-7 बच्चे हैं, इसमें क्या मजा आएगा, ना पढ़ाने में मजा आ रहा है ना पढ़ने में आपको मजा आएगा, कल सुबह 8 बजे रख दूंगा क्लास, इसी पे इसी के आगे के टॉपिक को, बाकी बचे हुए हम लोग तकरीबन 16-17 क्वेश्चन कर लेंगे, चलिए तो कल सुबह लगा देता हूँ, 1 घंटे ले लूंगा कल आपके, 8 से 9 ले लूंगा 1 घंटे की क्लास, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, तो चलिए कल आ जाइएगा सुबह 8 से 9, बाकी क्लास अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक कीजिएगा, इनको भी अनअकैडमी प्लस पे आना हो प्लस पे आ जाइएगा भाई, बहुत सारे फीचर्स हैं आपको अनअकैडमी प्लस के, और जिसके अलावा जो भी अनअकैडमी प्लस के हो कोड इस्तेमाल करना हो बी आदित्य लाइव कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है, हमारे रेगुलर के कोर्सेज हमारे 20% डिस्काउंट भी चल रहा है, तो बी आदित्य लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, आइए अनअकैडमी प्लस पे क्योंकि है हमें आपका इंतजार, तो बी आदित्य लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, अनअकैडमी प्लस पे आइए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, कल मिलते हैं सुबह 8